मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेताजी को याद करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान कई ऐसे मौके आए थे जिसके जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, मगर इससे इतर उन्होंने हमेशा ही क्रांति का मार्ग चुना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, अब इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उनका जो पूरा कार्यकाल रहा था, उस कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, कैसे उन्होंने देश में बदलाव किए थे, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से बातचीत की। अब आ जाए वह जय हिंद का नारा हो जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महान अवसर है जब देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के भव्य आयोजन के बाद, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद, अब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतवासी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करेगा, स्वाभाविक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। चाहे वह जय हिंद का